हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 टू 1.5 कंप्लीट कर लिया था और 1.6 का भी क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज रिटन हियर, लेट अस रीड, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीस नंबर्स। है ना, हमें क्या करना है, ये भी जो नंबर्स लिखे हैं इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है। देखो सेवेंथ क्वेश्चन में हमने एक्सपैंड किया था नंबर्स को, ये क्या करना है हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेवेंथ का, हाँ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसको मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का, एक शॉर्टकट मैथड है और एक थोड़ा सा लॉन्ग मैथड है। तो मैं प्रेफर करूंगा सबसे पहले लॉन्ग मेथड को, क्योंकि शॉर्ट मेथड में कई बार क्या होती हैं, गलतियां होती हैं। देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, सबसे पहले तो मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, ए वाला कर रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव जीरोज हैं, तो मैं यहाँ पे 5 जीरो लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद देखो 7000 है ना, ये लिखा हुआ है ना दूसरा नंबर 7000, तो ये मैं लिखूंगा। लेकिन मैं लिखूंगा कैसे, पीछे से, है ना, जो भी नंबर जब भी ऐड करूं तो पीछे से लिखा करो, है ना, पहले 3 जीरो और फिर 7। क्लियर हुआ। अब देखो 800 है इसके बाद, ये 800 है, तो फिर मैं यहाँ पे 800 लिख देता हूँ लेकिन पीछे से 008। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, 90 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ 90 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 90 भी लिख दिया। उसके बाद देखें तो क्या है, 50, 90 के बाद नहीं 6 है ना, तो मैंने 6 लिख दिया। तो ये ए पार्ट का हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐड कर दो सारे नंबर्स को, क्योंकि देखो प्लस का ही साइन है ना सब में, तो सबसे पहले तो ये वाला तो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 0+0+0+0 और फिर 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करो वही आ जाता है। फिर दूसरा उसके बाद 9 आएगा, इसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। अच्छा 7 के बाद देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है 0 है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। अब देखो यही मिस्टेक जो है ना, अगर बिना ऐड करे आप करोगे तो हो सकता है आप ये मिस्टेक करो, 0 आप लिखो ही ना, तो ये बस जो तरीका है, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड प्रेफर करता हूँ, ताकि ये मिस्टेक अगर 1% भी चांस है तो वो भी क्या हो, बिल्कुल निगलेक्ट हो जाए गलती होने का, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है बच्चों आपको, 7, 8, 9, 6। तो ये हो गया हमारा ए वाला पार्ट। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। तो देखो बी वाले पार्ट को सबसे पहले, ये हमारा बी पार्ट, सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे, है ना, एज अ लॉन्ग मेथड ही हम इसको ट्रीट करेंगे। तो 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो वी हैव टू राइट दैट 5 नंबर्स आफ्टर 6। तो 6 और 6 0, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद 1 के बाद 4 जीरोज हैं, तो मैं पीछे से लिखूंगा 1, 2, 3, 4 जीरोज और 1। उसके बाद 2000 है, तो 1, 2, 3 जीरो फिर 2। उसके बाद 400 है, ये तो मेरा इजी है, खैर 550 और ये 7 है ना, तो इसको तो ऐड करना भी बड़ा इजी है। तो पहले तो 7 ही आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, 6, 1, 2, 4, 5, 7, है ना। अच्छा ये वाला जो आंसर था ना, ए वाला, इसका क्या था, 4, 0, 7, 8, 9, 6, है ना, जो अभी अपन ने ऐड किया था वही मैंने लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा क्या, बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्या सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में भी देखो सेम इसी तरीके से हम सी पार्ट भी करेंगे ये वाला। सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, कौन सा सी लिखा, और उसके बाद 6 के बाद कितने जीरोस हैं काउंट करना जरा, 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस आ गए, तो मैंने 6 लिखा और 4 जीरोस लिख दिए। उसके बाद 1000 है, तो 1 लिखा और 1000 लिख दिया, और 800 है, तो 8 और 100, ये आपको पीछे से लिखने हैं बस, 0 ये बस याद रखना। तो ये भी बड़ा इजी है ऐड करना, 9 का 9, 8 का 8, 8 1 6, 8 1 1 8 6, 8 1 1 8 9, है ना, 8 1 1, सॉरी गलत हो गया, 6 1 6 1 8
61889, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर सी पार्ट का। अब डी वाला पार्ट देखो, तो डी पार्ट हमारा ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिखेंगे, है ना। तो लिखो ये वाला पार्ट, अगर डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो अगर आपकी फ्लुएंसी है तो। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, लिखता हूं मैं नंबर, 9 लिखा हुआ है सबसे पहले। तो 9 के बाद कितने जीरोस है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 जीरोस हैं टोटल। तो मैं 5 जीरोस यहां पे लिख देता हूं। तो लिखा 9 और 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है हमारा, 7 के बाद 4 जीरोस हैं, तो मैं 4 जीरोस लिख देता हूं। तो 1 2 3 4 और फिर 7। इसके बाद 6 और फिर 3 जीरोस हैं, तो 6 1 2 3। उसके बाद 100 है, उसके बाद देखो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो मैंने पीछे से 1 लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको सिंपली ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, फिर 6, फिर 7 और फिर 9, है ना, 9 7 6 1 0 1। तो ये आएगा हमारा आंसर 9 7 6 1 0 1। तो ये आया हमारा 8th का डी वाले का भी आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, 9th वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा और हमें दिमाग चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग की हमें जरूरत है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो 9th वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, जो भी फिलअप्स करने हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, बड़े आसानी से आंसर आए। सबसे पहले देखो, ये जो नंबर है ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये पूरा यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है क्या कि ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा हमारा। तो देखो इस वाले नंबर का 2 वाला, तो ये यहाँ पे ये लिख दिया है। अब 2 के बाद क्या आना था, 1 आना था, है ना। तो 1 वाला हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 1 वाले की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही हमें बस यहाँ पे क्या कर देनी है, लिख देनी है, क्योंकि पहले तो हमारा 2 था, तो इस नंबर में भी 2 आ गया। इसके बाद जो ब्लैंक है उसमें क्या आना है हमारा, 1 वाला आना है ना। तो 1 वाले की प्लेस वैल्यू क्या है, पहले तो हम 1 लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरोस लगा देना, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा, मैं लिखता हूं एक सेकेंड। तो 1 और फिर 4 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे ना। तो 1 2 3 4, है ना। 1 के बाद देखो कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है ना, इस वजह से मैंने 4 जीरो लगा दिए। बी वाला देखो, बी वाले में देखो पहला ही नंबर नहीं है हमारा, एक तो फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ नंबर नहीं है। मीन्स फर्स्ट और फोर्थ नंबर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर तो मेरा ये 9 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा 9, है ना। तो मैंने लिख दिया 9, उसके बाद कितने नंबर है इस 9 के बाद, 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो 1 2 3 4 जीरोस हमने लगा दिए, ठीक है। अब जब हम बी वाले देखो, इसके बाद क्या है हमारा, ये कौन सी प्लेस का नंबर था, फोर्थ प्लेस का नंबर था, है ना। तो फोर्थ वाला कौन सा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फोर्थ भी मेरा 8 आना है, और 8 के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 80 लिखूंगा, क्लियर है। तो बस ऐसे एनालाइज करो कि कौन सी वैल्यू खाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें बस उसके नंबर क्या करते जाने, फिल करते जाने। इसके बाद देखिए, देखो ये तो हमारी पहली ही प्लेस खाली है, है ना, और नंबर कौन सा हमारा, ये है नंबर हमारा, ये है। तो सबसे पहले देखो पहला नंबर कौन सा हमारा, 6 है, और 6 के बाद कितने नंबर है, इस 6 के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा और 1 2 3 4 5 जीरो लगा दूंगा। ये आ गया हमारा आंसर सी वाले पार्ट का। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। डी पार्ट में देखो 2 प्लेसेस हमारी खाली है, एक तो फर्स्ट प्लेस और एक थर्ड प्लेस, है ना। फर्स्ट प्लेस देखो, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है, और इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल करना है। फर्स्ट प्लेस पे हमारा आ रहा है 1 और थर्ड प्लेस पर आ रहा है हमारा 8, ठीक है। तो 1 और 8 की बस प्लेस वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर दो। तो 1 जो है देखो, 1 के बाद 5 नंबर्स हैं, तो मैं 1 लिखूंगा और 1 2 3 4 5 हमने जीरोस लगा दिए। इसके बाद क्या है, 6 जो है, 6 का तो 6 है, इसके बाद 8 लिखा हुआ है ना, थर्ड प्लेस पर हमारा ये 8 है, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3, तो 8 लिखा और 3 जीरोस लगा दिए।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या डी वाला पार्ट भी कंप्लीट, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ हमारा कंप्लीट, है ना। एक्सरसाइज 1.6 बी में भी बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो एक्सरसाइज 1.6 बी हमारी क्या हुई कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.7, है ना, और बाकी भी चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी भी लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, है ना, अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।